हेलो सर, कैसे हो आप? सोलो सर, अभी जो है मेरे सामने देख रहे हो आप JVM की ऑल न्यू लॉन्च कोच गैलेक्सी बस। और ये जो बस है ना, इलेक्ट्रिक बस है। इस बस में जो है ना गाइस, इतनी जबरदस्त रेंज मिलती है कि आप लोग सुन के बोलोगे कि भाई सीरियसली, ये तो मनाली क्या, ये तो लेह लद्दाख भी जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मिलती है आपको 1000 किलोमीटर की रेंज सिंगल चार्ज पे। उसके बाद जो चार्जिंग टाइम है वो भी काफी कम है। तो चार्जिंग टाइम जो है ना इसका, वो कंपनी क्लेम करती है 45 से 1 आवर फास्ट चार्जर, लाइक अल्ट्रा फास्ट चार्जर से ये जो है लाइक हो जाती है चार्ज 1 घंटे में। ठीक है, सो अभी जो है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बस है 12 मीटर्स लंबी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन फ्रंट से। फ्रंट में जो है आपको लाइक ऊपर जो एक डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें कि आप अपने लाइक कंपनी का नाम लिखवा सकते हैं, फिर कुछ भी ऊपर उसमें। ठीक है, उसके बाद नीचे वाइपर्स वगैरह हैं, JVM की काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग है। नीचे जो है हेलोजन हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। कहीं पर भी प्रोजेक्टर का यूज़ जो है नहीं गाइस, हेलोजन है बट प्रोजेक्टर का ही यूज है इनके अंदर। ये देखो, प्रोजेक्टर का ही यूज कर रखा है कंपनी ने। सिर्फ हेलोजन में आपको इंडिकेटर्स वगैरह या फिर जो है फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें जो है फ्रंट में आपको पूरा क्रोम का जो है एक पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि लाइक यहाँ पर जो है ना, ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये जो है पूरा क्रोम के अंदर है। उसके बाद साइड में चलते हैं, साइड में देखते हैं साइड में क्या कुछ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक गेट अपने को मिलता है। ठीक है, अभी पूरी बस में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मिशलिन के टायर इसके अंदर भी, आई थिंक या मिशलिन के टायर्स हैं। और जो टायर साइज है ना इसका, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम वही है जो वोल्वो में आता है, 80 की प्रोफाइल है। 22.5 इंच के जो है टायर्स हैं। अभी आप जो ना पूरी बस देखना, आपको पूरी बस दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। तो जो पूरी बस है ना, वो कुछ ऐसी लगती है भाई, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं है बट हाँ, इलेक्ट्रिक के हिसाब से ठीक है। इसका बैक भी देखेंगे अपन जाकर। ये है इसका अल्ट्रा फास्ट चार्जर, जिससे कि 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। वाओ, अभी आप इसका रियर प्रोफाइल चेक करो। रियर से जो है पूरी LED टेल लाइट्स वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिलेंगे। और पीछे जो है बस कुछ ऐसी लग रही है। सो जो रियर पार्ट है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, लाइक अच्छा लगेगा आपको। एंड रियर में जो टायर साइज, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रखा गया है। तभी जो है ना हम क्या करते हैं ना, वैसे तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी बसेस हैं, बट फिलहाल जो है इसका इंटीरियर कवर करते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या कुछ है इसके इंटीरियर में देखने लायक। तो चलते हैं इंटीरियर में। काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होगी, तो वो भी जो हम आपको जल्दी बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो इसका पूरा आप लाइक फ्रंट डैशबोर्ड चेक करो। यहाँ पे 4 कैमरे हैं। सबसे पहले ये ड्राइवर का है क्या, ये ड्राइवर का कैमरा है। उसके बाद में यहाँ पे एक और कैमरा है, ये एंट्रेंस का है। और ये जो है पूरी बस का, तो ये जो है पीछे बैक का कैमरा आपको, तो 4 कैमरा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में पूरा कंसोल जो है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो है सारे ड्राइवर की मतलब की चीज़ें अपने को समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे बटन्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने मिलेगी। और काफ़ी प्रीमियम से डैशबोर्ड है। जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी प्रीमियम आपको फील देने वाला है। उसके बाद जो क्लॉक है ना, वो आपको इसके IRVM के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपको एक डिस्प्ले भी दी गई है, ये फोल्ड है क्या अभी? LED फोल्ड है ना अभी, ये अभी खुल जाएगी ना। हाँ, सो यहाँ पे एक LED डिस्प्ले आपको देखने मिलती है। और यहाँ पे लगभग 40+ जो आपको सीट्स देखने को मिलेगी। एम्बियंट लाइटिंग पूरी अपने को देखने को मिलती है। नीचे ब्लू कलर की है, ऊपर वाइट कलर की है। पूरी जो है लग्जरी फील आती है। बट हाँ, एक मेरे को कमी फील हुई कि ये जो है ना लाइक इतना स्पेस बीच में है नहीं, क्योंकि इसमें चल रहा हूँ तो मैं जो है इधर उधर टच हो रहा हूँ थोड़ा। तो वो चीज़ तो है, मतलब बीच से जो है ना लाइक बस इतनी कंफर्टेबल, हाँ सीट्स तो कंफर्टेबल है बट ये जो स्पेस है ना, ये काफ़ी कम है। काफ़ी कम मतलब, मैं अभी आया तो मैं हर सीट के टच होते हुए आ रहा था, जबकि मेरी इतनी लाइक बॉडी भी इतनी नहीं है, तभी मैं टच होते हुए आया था। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। पर ठीक है यार, इलेक्ट्रिक है, 1000 किलोमीटर की रेंज दे रही है, 1.8 करोड़ इसकी प्राइसिंग है, लगभग 2 करोड़ के आसपास जाएगी। ओके, सो चलिए देखते हैं बाकी की चीजें। बाकी यार देखो, इंटीरियर अच्छा लग रहा है नो डाउट, और इलेक्ट्रिक बस है सो देखो इससे अपने को भी फायदा है। एंड अपना जो भारत है, या फिर बोलो अपनी जो भूमि है, अपनी जो ये धरती माता है ना, इसके लिए काफी अच्छी चीज है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ये फुटरेस्ट वगैरह देखने मिल जाएंगे। जो सीट है ना, वो भी काफ़ी रिक्लाइन हो जाती है। पीछे वाली सीट्स भी आई थिंक इसमें ना, पीछे वाली नहीं होती शायद, ये हो जाएंगी। तो मैं एक बार एक सीट पे आपको बैठ कर दिखाता हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई भी मेरे को ना चार्जर वगैरह दिख नहीं रहा है। यहाँ पे तो बोतल आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ टांग सकते हो अपना सामान वगैरह। ओके, चार्जर वगैरह इसमें, चार्जर वगैरह नहीं है। इसको पुश करो, ठीक है, इसको पुश करने से आई डोंट थिंक क्या होगा।
एक सेकेंड, अपन जो अपनी सीट को पीछे करते हैं सिर्फ ये बटन प्रेस करके, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ कितनी रिक्लाइन होती है। ओ भाई साहब, इतनी ज्यादा रिक्लाइन, सीरियसली। बट लेग रूम इतना नहीं है, आपको दिखाता हूँ। लेग रूम जो है इन्होंने इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है, एक दो कमियां लगी है और उस हिसाब से जो है ना उसकी प्राइस लाइक थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेरे को लग रही है, 1.6 करोड़ के लगभग होनी थी। और एक और चीज बताऊं, जो रेंज है ना, सीरियसली अभी तक कोई भी बस नहीं दे रही है 1000 किलोमीटर की। भाई साहब ये मनाली तक भी जा सकती है और मनाली से वापस दिल्ली, या फिर बोलो लद्दाख भी जा सकती है, क्योंकि 1000 किलोमीटर से कम ही है वो भी। सो ये जो बस है ना चलेगी लॉन्ग रूट्स पे। और ऐसे में क्या है, कंफर्ट आपके लिए जानना जरूरी है। चाहे या तो कोई लेने वाला, जैसे कोई इस बस को लेने की प्लानिंग कर रहा है तो वो मेरी वीडियो देख रहे हो, या फिर जो है जो इस बस में बैठने वाले हैं, दोनों को बता देता हूँ। देखो भाई, जो लेने वाला है ना उसको बता दूँ, बीच में जो स्पेस है मैंने आपको बताया बहुत कम है, तो क्या है बंदे इधर उधर से अड़ते हुए चलते थे, सामने से कोई और बंदा आ गया ना तो वो निकल नहीं पाएगा, उसके पहले सीट के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद वो क्रॉस कर पाएगा, वो चीज़ है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है ना वो ये है कि लाइक जो लेग रूम है वो थोड़ा सा कम है, बट हाँ रेंज अच्छी है। तो चलो अब चलते हैं, सीट्स तो कंफर्टेबल है एंड अभी जो है निकलते हैं। बाकी जो है हीटिंग एंड जो है कूलिंग दोनों का ही इसमें फीचर दिया गया है। स्पेस भी काफ़ी है, मतलब काफ़ी हैवी बैग आप इसमें रख सकते हो, जो ऊपर स्पेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है, तो स्पेस वगैरह की नो टेंशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर सीट के साथ दो चार्जर दिए गए हैं, ये देखो हर सीट में है ये चार्जर, ठीक है, यहाँ पे आप चार्जर देख सकते हो, ये रहे। तो हर सीट में आपको दो दो चार्जर्स देखने को मिल जाते हैं, और जब लाइक ऊपर की जो लाइटें बंद होती हैं तो ब्लू इंटीरियर भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है इसका। सो ओवरऑल जो है इंटीरियर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है कंपनी ने। यहाँ पे एक फास्टर किट है, यहाँ पे ड्राइवर के लिए जो एक फ़ैन दिया गया है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है बस में आपको मिल जाती हैं। सो चलिए अभी चलते हैं, एंड यही था कुछ आज की वीडियो में, जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। अभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।